more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. इस बदलते चेहरे वाले मौसम में बात कर लेते हैं एक ऐसे शो की जिसमें रोजाना सभी के चेहरों के पीछे से कोई ना कोई खुलासा होता ही रहता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहां हो चुकी है एक नए रिश्ते की शुरुआत। तो इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं रीसेंट ट्रैक की, जहां आपने देखा कि नैतिक चला जाता है दिल्ली किसी बड़े मकसद से, क्योंकि उसका बहुत ज़रूरी काम है जो इसी बीच आ चुका है और वो नक्श की हल्दी वाले दिन ही चला जाता है, जिससे कि वो नहीं कर पाता नक्श कीर्ति की हल्दी अटेंड। इस बात के लिए वो और अक्षरा को काफ़ी याद भी कर रहा है इस मौके पर, लेकिन इस बात का अब भी खुलासा होना बाकी है कि किस बात से परेशान है नैतिक और आखिर कौन सा बड़ा मकसद लेकर नैतिक गया है दिल्ली और उसने क्यों बोला नक्शे झूठ कि वो किसी ऑफिस के काम से जा रहा है। चलिए अब आप जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नैतिक ने बोला है नक्शे झूठ क्योंकि वो किसी ऑफिस के काम से नहीं बल्कि गया है किसी और बड़े मकसद से और ये उसकी मजबूरी है कि उसे नक्श कीर्ति की हल्दी वाले दिन ही जाना पड़ गया दिल्ली। ये तो पता लग गया कि नैतिक के ऊपर है कोई बड़ा दबाव और ऐसी क्या बात है जो कर रही है नैतिक को परेशान और इस बात से वो बिल्कुल टूटा हुआ है। फिलहाल के लिए हमारी स्टोरी में बस इतना ही। फॉर मोर बॉलीवुड एंड टेली गॉसिप्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।